हेलो फ्रेंड्स, आज जिंदगी एडुकेट चैनल पर आपका स्वागत है। मैं अपने इस लेक्चर में क्लास 10 साइंस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर 7 एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस सॉल्यूशंस क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन डिस्कशन करने वाली हूँ। ठीक है, आपके जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 8 जो क्वेश्चंस हैं, हाउ डज केमिकल कोऑर्डिनेशन अकर इन प्लांट्स। ठीक है, तो इसमें क्या दिया गया है कि प्लांट्स में केमिकल कोऑर्डिनेशन कैसे होता है। ठीक है, तो देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जानवर हो या मनुष्य हो, ठीक है, तो एनिमल, टोटल एनिमल जितने भी हैं प्राणी, उसमें क्या है, उसमें है नर्वस सिस्टम है। किसके लिए? कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के लिए। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम, बट प्लांट के साथ ऐसा नहीं है। प्लांट में ना ही नर्वस सिस्टम है ना ही मसल्स है। ठीक है, लेकिन अब अगर मसल्स भी नहीं है उसके पास, नर्वस सिस्टम भी नहीं है, तो आखिर केमिकल कोऑर्डिनेशन कैसे होता है? कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल जो है वो प्रोसेस होता कैसे? होता तो प्लांट में भी है। तो इसके लिए क्या होता है, प्लांट में जो है केमिकल के थ्रू होते हैं। ठीक है, कुछ जो होते हैं, कुछ केमिकल सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, जो कि प्लांट में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं। ठीक है, तो उस केमिकल केमिकल किसको कहते हैं? तो वो जो है हार्मोन को हम लोग कहते हैं, प्लांट हार्मोन होता है। ठीक है, जैसे कि प्लांट हार्मोन होता है, नॉर्मली जो होता है 5 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं प्लांट में। ठीक है, तो जैसे कि क्या क्या है आपका, हो गया ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन एंड इथिलीन, ये सब क्या है, हार्मोन है। एक एब्सिसिक एसिड है, तो ये 5 हार्मोन नॉर्मली पाए जाते हैं प्लांट में। ठीक है, चलिए आइए हम लोग नोट डाउन कर लें। ठीक है, इसको नोट डाउन करते हैं। तो जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि एनिमल्स में तो नर्वस सिस्टम होते हैं, बट प्लांट्स में ना मसल्स होते हैं ना नर्वस सिस्टम होते हैं, तो इसको नोट डाउन करने की कोई जरूरत नहीं है। आगे हम लोग प्लांट्स के बारे में करते हैं। ठीक है, तो प्लांट्स प्लांट्स रिस्पोंड टू टू स्टिम्यूली, ठीक है, बाय शोइंग मूवमेंट्स। ठीक है, शोइंग मूवमेंट्स ठीक है, द ग्रोथ डेवलपमेंट ग्रोथ डेवलपमेंट एंड रेस्पॉन्सेस एंड रेस्पॉन्सेस टू द एनवायरमेंट ठीक है, इन प्लांट इज कंट्रोल्ड एंड कोऑर्डिनेटेड बाय कोऑर्डिनेटेड बाय स्पेशल क्लास ऑफ केमिकल स्पेशल क्लास ऑफ केमिकल केमिकल सब्सटेंस उसको हम लोग क्या कहते हैं, नोन एज हार्मोन, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हार्मोन्स कहते हैं। ठीक है, चलिए, दीज हार्मोन्स दीज हार्मोन्स
आर प्रोड्यूस्ड इन वन पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी। प्लांट बॉडी ठीक है, एंड आर उसके बाद क्या होता है, ट्रांसलोकेटेड किया जाता है, एंड आर ट्रांसलोकेटेड टू अदर नीडी पार्ट। ठीक है, टू अदर नीडी पार्ट फॉर एग्जाम्पल ए हार्मोन प्रोड्यूस्ड इन रूट्स एज इज ट्रांसलोकेटेड टू अदर पार्ट व्हेन रिक्वायर्ड। ठीक है, तो ऐसा होता है एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखते हैं कि कोई भी एक हार्मोन है, ठीक है, तो वो क्या होता है, अगर रूट में प्रोड्यूस्ड होता है, ठीक है, रूट में प्रोड्यूस्ड होता है तो पूरे प्लांट जहां जहां उसको जरूरत होता है वहां वहां क्या होता है, ट्रांसलोकेटेड किया जाता है। तो यही आपका मेन थिंग्स जो है, यहाँ देखिए ऐसे आप लोगों को मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, प्लांट में जो है पांच टाइप के जो होते हैं, मेनली पांच टाइप के हॉर्मोन पाए जाते हैं। ठीक है, तो उसका नाम क्या है, ऑक्सिन है, साइटो जिब्रेलिन्स है, साइटोकाइनिन्स है, एब्सिसिक एसिड है, इथिलीन है। ठीक है, ये जितने भी हार्मोन है, पांच टाइप के हार्मोन आप लोगों को मैं बताई, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, फाइटो हार्मोन, हार्मोन कहते हैं, प्लांट हार्मोन्स को ही हम लोग फाइटो हार्मोन बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कोई जो होता है ग्रोथ प्रोमोटर होता है, ठीक है, कोई जो होता है ग्रोथ इनहिबिटर होता है, जैसे कि ग्रोथ इनहिबिटर कौन सा हुआ, एब्सिसिक एसिड जो हो गया आपका ग्रोथ इनहिबिटर हो गया। ठीक है, तो यहीं पे आपके जो होते हैं क्वेश्चन नंबर एक कंप्लीट होते हैं। बाकी के क्वेश्चंस के आंसर को पाने के लिए आपको आज इनके एडुकेयर चैनल के प्लेलिस्ट को विजिट करना होगा। ठीक है, प्लेलिस्ट को विजिट करना होगा और प्लेलिस्ट का लिंक आपको चाहिए। ठीक है, तो प्लेलिस्ट का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं, उस लिंक को क्लिक कीजिए और 8 to 12 मैथ और साइंस प्लस एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस सॉल्यूशंस का लाभ उठाएं। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स।